الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. دنیا جہان کی ساری دولتیں ایک طرف ہو اور ایمان کی دولت دوسری طرف ہو, سارا جہاں مل کر ایمان کو نہیں ہرا سکتا. اتنی عظیم شان یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور یہ ہر مومن کے دل میں موجود ہے. عالم دین ہے اس کے دل میں بھی ہے, امام صاحب ہیں ان کے دل میں بھی ہے, نوکری کرنے والا ہے اس کے پاس بھی ہے, داڑھی چلاتا ہے اس کے پاس. اتنی بڑی نعمت جس کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں فیل ہیں, ہیٹ ہیں, بے حیثیت ہیں, بس ہمیں اپنی بھی قدر کرنی چاہیے اور ہر ایمان والے بھائی کی قدر کرنی چاہیے مومن ہونے کی وجہ سے, مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے, اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ اللہ کو پسند ہے. مسلم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا, گردن جھکا دینے والا. بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ دھندا کروں, اس میں بہت نفع ہے. اللہ کا حکم کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں, بندہ فوراً اسٹاپ ہو جائے اور اس کو مان لے. یہ ہے مسلم, یہ ہے مسلمان. چون چیرا نہیں کرتا, دنیاوی معاملات میں کرتا رہے چون چیرا, لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا اب وہ کیوں کیسے نہیں کرے گا, چون چیرا نہیں کرے گا, اگر مگر نہیں کرے گا. بندے کا جی چاہتا ہے کہ کرکٹ کھیلے, بلکہ وہ کھیل رہا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اور کھیلے اور کھیلے. اذان ہو گئی, نماز کا وقت آ گیا, اللہ کا حکم کہتا ہے اب کھیلنے کی اجازت نہیں مسجد میں. بندے نے اپنا چالو ڈاؤ چھوڑ دیا, اللہ نے بلایا. جی چاہتا تھا کہ کھیلے لیکن اللہ کا حکم آیا کہ مسجد میں آؤ, بندہ فوراً مسجد میں آیا. یہ ہے مسلمان. کس کو مسلمان کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے مسلمان تھے؟ گھر میں ہیں, کھانا کھا رہے ہیں اور آواز آئی کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ, نہ کھانا چھوڑ کر چلے. ایک صحابی ہے
उनकी शादी हुई है, पहली रात है और आवाज आई, जमा हो जाओ, सीधे चले गए। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, इसको कहते हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, इसको कहते हैं मुस्लिम, इसको कहते हैं मुसलमान। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब वो अपनी गर्दन झुका दे। अल्लाह के रसूल का फरमान आ गया, अब वो अपनी गर्दन झुका देगा, उसमें क्यों गिरा नहीं करेगा, क्यों कैसे नहीं करेगा, अगर मगर नहीं करेगा। हमें और आपको अपना इम्तिहान लेने और अपना जायजा लेने की जरूरत है कि क्या हमारे अंदर ये कैफियत है या नहीं, क्या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे हम अपना सर झुका देते हैं, अपने जज्बात को छोड़ देते हैं या नहीं। अगर छोड़ देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसमें मजीद तरक्की अता फरमाए। और अगर इसमें कमी कोताही है, अभी हमारे पास वक्त है, जिंदगी है, सांसें चल रही है, इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह मैं पक्का और सच्चा मुसलमान अपने आप को बनाऊंगा। और मेरे भाई याद रखें कि जो वादे अल्लाह ने किए हैं वो सच्चे और पक्के मुसलमान के लिए, मरते ही जन्नत में वो पक्का मुसलमान जाए, और जो कच्चे पक्के हैं उनको सजा भुगतनी पड़ेगी, उसके बाद वो जन्नत में पहुंचे। और आखिरत की सजा दुनिया की सजा के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। और दुनिया की आग भी कई तरह की होती है, एक वो जिस पर हम खाना पकाते हैं, एक वो जिसमें बिस्किट फेंके जाते हैं वो और गर्म होती है, एक वो आग होती है जो लोहे को पिघलती है वो बहुत गर्म होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है जहन्नम की आग, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 500 साल की मसाफत से आदमी को गर्मी लगने लगती है, ऐसी गर्म आग है जहन्नम। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करवा। हदीस में आया है कि दुनिया की आग सिर्फ जिस्म को जलाती है, अभी जिस्म भी पूरी तरह नहीं जलता, आदमी मर जाता है, पूरी तरह जिस्म जलता नहीं, इससे पहले मौत वाकई हो जाती है, लेकिन जहन्नम की आग वो दिलों को भी जलाती है। वहां तो मौत नहीं, दिलों को भी जलाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे भाई इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। मैं भी इरादा करता हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। मुसलमान कभी भी अल्लाह के किसी हुक्म पर एतराज नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल के किसी फरमान पर एतराज नहीं कर सकता, शरीयत के किसी हुक्म पर एतराज नहीं कर सकता। शैतान वसवसा तो डाल सकता है, लेकिन मुसलमान एतराज नहीं कर सकता। अगर वो एतराज करता है तो फिर मुसलमान नहीं। मुसलमान का तो मतलब ही है कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपना सर झुका दे, मान ले उसको फौरन। उस्ताद ने शागिर्द को एक काम सौंपा कि लो ये करके आओ। शागिर्द पूछता है क्यों, ये काम क्यों करवा रहे हो आप? फिर उस्ताद उसको वजह बताता कि ये जरूरत है, ये काम। फिर वो जाके काम करता है तो ये शागिर्द नहीं, ये उस्ताद का अदब नहीं है, बेइज्जती। उस्ताद का अदब तो ये था कि उस्ताद ने जो काम दिया शागिर्द फौरन जाकर उसको अंजाम दे। उस्ताद के सामने, अपने पीर के सामने, अपने बड़ों के सामने हम वजह नहीं मालूम करते कि आपने ये काम क्यों सौंपा है। जो भी काम सौंपते हैं पहले फुर्सत में उसको करने की कोशिश करते, उसका अदब। जब मेरे भाई साहब का यह अदब है, जब पीर साहब का यह अदब है, जब अपने बड़ों का यह अदब है, तो अल्लाह रसूल का कितना अदब होना चाहिए। क्या हम कौन होते हैं जो ये सवाल उठाएं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों हुक्म दिया, इसकी क्या वजह है?
अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया, इसकी क्या वजह है, मेरे भाई कितनी बड़ी बेइज्जती की। आजकल ये मर्द मुसलमानों में आम हो रहा है, हर आदमी पूछता है नमाज क्यों है। अरे अल्लाह ने हुक्म दिया है, बात खत्म हो गई। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, अब हम नहीं पूछेंगे अल्लाह क्यों पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म है पढ़नी है। अल्लाह ने हुक्म दिया रोजे रखो, रखने हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बानी करो, तो करनी है। यही अल्लाह का अदब है, यही अल्लाह के नबी का एहतराम। आजकल सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में इस्लाम के अहकाम पर तरह तरह के एतराज किए जा रहे, और हमारे नौजवान खासकर जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले पढ़ने लिखने वाले हैं, वो तबका उन सबको पढ़ता है उन एतराज को, और फिर अपने दिल में एक वसवसा लेकर घूमते रहता है। याद रखिए मेरे भाई, इस्लाम के दीन के अल्लाह रसूल के छोटे से छोटे हुक्म के बारे में भी अगर बंदे के दिल में शक शुबा हो तो ये सही है या गलत, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अगर ये शक शुबा है, इस हाल में अगर उसकी मौत आ गई तो काफिर मरेगा। अमल न करना दो नंबर की बात। एक आदमी नमाज को तस्लीम करता है कि हाँ दिलो जान से मानता हूँ कि पांच वक्त की नमाजें पढ़ लें बिल्कुल, लेकिन मेरे सपने से मैं नहीं पढ़ता। दिलो जान से मानता हूँ कि दूध हराम है, लेकिन मेरी कोताही है, मैं उसमें मुबतला हूँ, कोशिश करूंगा अल्लाह मुझे निकाले। दिलो जान से मानता हूँ कि शराब पीना हराम है, नाजायज है, लेकिन मेरी बुरी आदत है, दुआ करो अल्लाह मुझे तौफीक दे। ये तो जन्नत में जाएगा, ये मुसलमान है, इसका कभी अमल खराब है। लेकिन अगर किसी के जहन में ये आ कि शराब हराम है या नहीं, इसको हराम किया तो बराबर है कि नहीं, हराम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, वियाज को अल्लाह ने हराम किया तो ये अल्लाह ने बराबर किया कि नहीं किया, अगर इस तरह का शक शुबा है तो ये ईमान से ही हाथ धो रखे। इसलिए मेरे भाई, सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में इस तरह के जो मजामीन अगर पढ़ लेते हो आप, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहली फुर्सत में उलमा किराम से राब्ता करके अपने शक शुबे को दूर कीजिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अगर मैं खुद अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता तो दूसरे पर मैं क्या बोझ डालूं कि मेरी जान की हिफाजत करूँ। जैसे हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं मेरे भाई, हमारा तो ये नारा है कि हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते, ये तो हमारा दावा है कि जान से कीमती ईमान है। बोलो भाई है कि नहीं? अरे भाई बोलो जोर से। हाँ, जान से भी ज्यादा कीमती ईमान है हमारे नजदीक, तो हमें ही अपने ईमान की हिफाजत करनी, हमें ही फिक्र करनी। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शिर्क जो है इस कदर छुपे तरीके से दिल में दाखिल होता है जैसे अंधेरी रात में काली चींटी चलती नजर आती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है शिर्क और कुफ्र दिल में घुसता है और एक जमाने के बाद खुलता है। मेरे सामने कई वाकयात आ गए। एक साल पहले की बात, मियां बीवी में झगड़ा हुआ, मेरे पास लेकर आए। क्या बात, मियां जो है वो भी पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, बीवी भी पढ़ी लिखी, तो मसला क्या है? तो बीवी कहती है कि जो मेरा शौहर है ये मुझे कहता है कि अल्लाह है भी कि नहीं, और उस एजुकेटेड लड़के के जो वालिद हैं वो जमात के अमीर साहब, इतने दीनदार घराने से ताल्लुक है। लेकिन बेटा, हमने उससे तहकीक की, भाई ये सब सवाल आप कहां से लाए? तो कहा लॉकडाउन में फ्री थे, इंटरनेट पे लगे रहे,
और सारे देहलियों की मुल्हिदीन की कुफार की किताबें जिसमें इस्लाम के खिलाफ लिखा हुआ है एतराजा थे वही पढ़ा वही पढ़ा। तो वो अपनी बीवी से ये कहता है कि अल्लाह है भी कि नहीं, ये जन्नत जहन्नम है भी कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आती ये सब बातें। तो ईमान से हाथ धोकर था वो आदमी और फिर उन दोनों की तफरी कोई तनाक हुई उनके अंदर, बहुत समझाया गया लेकिन वो दिमाग में जो बैठ गया निकलता ही नहीं। तो मेरे भाई अगर आपके जहन में इस्लाम के किसी भी हुक्म के बारे में जरा बराबर भी शक शुबा पैदा हो फौरन इमाम साहब से मिल लो, हर मस्जिद में इमाम साहब मौजूद है कि हजरत ये चीज मेरे जहन में आ गई है इसका क्या है, अगर वो हल कर सकते हैं तो वो करेंगे वरना सूरत में उलमा इकराम की कमी नहीं, वो किसी बड़े आलिम के पास आपको पहुंचे हैं वो समझाएंगे। हमारी समझ की कमजोरी है जो हम अल्लाह के हुक्म को नहीं समझ पा रहे, अल्लाह का हुक्म तो सही है लेकिन ये हमारी समझ की कमजोरी है जो हम नहीं समझ पा रहे, कोई बड़ा आलिम जब हमें समझाएगा तो बात हमारी समझ में आएगी। चंद मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अभी चंद महीनों पहले एक गुजराती अखबार ने हज के बारे में एक मजमून लिखा था और उसके अखीर में उसने ये कहा कि मुसलमान ये जो दावा करते हैं कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम पत्थर के आगे सर नहीं झुकाते, हम पत्थर की इबादत नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को माबूद मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मुसलमानों का ये दावा बिल्कुल खोखला है। ये गुजराती अखबार की बात कर रहा हूं, मैंने खुद पढ़ा है ये दावा। मुसलमान जो ये दावा करते हैं कि हम तौहीद वाले हैं, एक अल्लाह के मानने वाले, पत्थर के पुजारी नहीं, ये दावा बिल्कुल ओपन है, खोखला है, इस दावे में कोई दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? आगे उसने लिखा ये देखो काबा शरीफ ये भी तो पत्थर ही है, सारे मुसलमान इसकी तरफ रुख करके इसको सजदा कर रहे हैं और मक्का जाते तो क्या करते हैं, काबा के चारों तरफ घूमते हैं, ये तवाफ करना है तो इबादत है, तवाफ जो करते हैं तवाफ करना भी इबादत है। तो खामखा ये लोग दावे करते हैं कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, ये सब दावे इनके खोखले हैं, तो काबा के सामने भी सर झुकाते हैं और उसका भी तवाफ करते हैं, उसकी भी इबादत करते हैं। अगर ये ऐसे ही सच्चे मुसलमान हैं, सिर्फ एक अल्लाह के मानने वाले, तो इनको कहो कि काबा की तरफ रुख करना छोड़ दे और तवाफ करना छोड़ दे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। मालूम हुआ कि ये भी बुत परस्त है। मालूम है आपको ये अखबार में लेकर आया। अब जो आदमी दीन को नहीं जानता अगर वो बच्चा इस मजमून को पढ़ेगा क्या असर लेगा, इसको जवाब चाहिए। उसने सवाल कायम कर दिया, तब जवाब चाहिए हमें। हमें भी अक्सर लोग इसका जवाब नहीं जानते। मेरे भाई उनका ये कहना सरासर गलत है कि हम काबा शरीफ की इबादत करते हैं और काबा शरीफ को सजदा करते हैं, बिल्कुल गलत है। हम काबा की इबादत नहीं करते, हम रब्बे काबा की इबादत करते हैं। और हम काबा को सजदा नहीं करते, हम रब्बे काबा को सजदा करते हैं। दलील में देता हूं। अल्लाह ना करे अगर बैतुल्ला शरीफ को तोड़ दिया जाए, काबा शरीफ पर बुलडोजर फेर दिया जाए और वो जो ढांचा बना हुआ है पत्थरों का उसको मिसमार करके जमीन दोज कर दिया जाए, वो इमारत वहां मौजूद ना रहे, खत्म हो जाए, फिर भी अल्लाह का हुक्म है कि उसी तरफ नमाज पढ़नी है। यही हुक्म है, नमाज उसी तरफ पढ़नी है। अब तो काबा है ही, अगर हम उस इमारत की इबादत करते तो काबा के गिर जाने के बाद हमारा रुख बदल जाना चाहिए, नहीं बदलेगा, रुख वही रहे और तवाफ भी उसी हिस्से का होता रहेगा जिस हिस्से में कभी काबा था, चाहे अभी इमारत नहीं है वहां, उसी हिस्से का तवाफ करना है। अगर हम उस
ढांचे की इबादत करते तो हमारा दवाब भी बंद हो जाता और हमारा रुख भी नमाज में बदल जाता, लेकिन ये बदलते नहीं है। मालूम यह हुआ कि हम उस इमारत की इबादत नहीं कर रहे, बल्कि जिसने वो इमारत बनाई है रब्बे काबा की हम इबादत कर रहे हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़नी है जी, तो किसी न किसी तरफ रुख तो करना ही पड़ेगा भाई। नमाज पढ़नी तो रुख तो किधर करना पड़ेगा, चाहे इधर करो उधर करो, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निजाम बनाया कि सारे कलमा को एक तरफ रुख करके नमाज पढ़े और उनमें यूनिटी पैदा हो। ऐसी यूनिटी की मिसाल ला के दे दो, किसी मजहब में है लावड़ा के दे दो, सारी दुनिया का मुसलमान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे बादशाह हो चाहे चपरासी हो, एक ही तरफ रुख करके नमाज पढ़े। ये यूनिटी अल्लाह ने हुक्म दिया सबको काबा की तरफ रुख करना, अल्लाह ने हुक्म दिया तो हम उधर का रुख करते हैं। और उसमें मसलहत है एकता, एकता। हमारा कुरान एक है, हमारे नबी एक हैं, हमारा काबा भी एक है। एकता के लिए काफी नहीं, बहुत काफी। ऐसी मिसाल है मेरे भाई जो दूसरी किसी कौम के पास नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह रुख करने को फिक्स न करते तो क्या होता, चौक बाजार वाले इधर नमाज पढ़ो, रामपुरा वाले कहते बराबर नहीं जगह इधर ज्यादा है यूं करो किबला, वो उधर नमाज पढ़ते। सगरामपुरा वाले कहते मस्जिद सेट नहीं होती यूं करो, ये इधर पढ़ते। नानपुरा वाले कहते ये बराबर है, तो यूनिटी कहाँ रहती, ये तो तमाशा हो जाता। ये कैसे मुसलमान है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ये कोई एकता है, ये कोई यूनिटी है, ये कोई इत्तेहाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको जोड़ा एक काबे की तरफ, दुनिया में किसी कोने में रहता उसको रुख काबे की तरफ करना है। ये उनकी हिकमत और मसले है। और मेरे भाई उस पत्थर के घर की इबादत हम हरगिज़ नहीं करते, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि उस तरफ रुख करो तो हम करते हैं। यही वजह है कि अगर उस घर को तोड़ भी दिया जाए तो हमारा रुख उधर ही रहेगा, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि उधर रुख करो। और जो काबा शरीफ जिस जगह पर मौजूद है उस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात बरसती है। दरहकीकत हमारी तवज्जो अल्लाह की तजल्लियात की तरफ होती है, हमारा रुख अल्लाह की तजल्लियात की तरफ है। वो इमारत हो या ना हो वो तो निशानी है, वो काबे की जो इमारत है पत्थरों की वो निशानी है कि ये जगह है अल्लाह की रहमतों के बरसने, इधर का रुख करो, वो तो निशानी है, वो अलामत है। दर हकीकत वो किबला नहीं, वो किबला नुमा है, किबला नुमा है, वो बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात यहां बरस रही है। ये एक एतराज। इसका जवाब मैंने आपके सामने पेश किया। दूसरा एक एतराज करते हैं कि इस्लाम ने मर्दों और औरतों को बराबर के हक नहीं दिए, और इस्लाम ने मर्दों के लिए अय्याशी का दरवाजा खोला। ये लिख रहे हैं अखबार वाले, टीवी वाले मुसलसल लिख रहे हैं। क्यों ऐसा कि मर्दों और औरतों को बराबर हक नहीं दिया, उनमें नाइंसाफी की कि एक मर्द को चार बीवियां करने की इजाजत और एक औरत को एक ही मर्द पर इक्तिफा करना है, वो चार शोहर के साथ शादी नहीं कर सकती, तो बराबरी कहां होगी? मर्द को ज्यादा अथॉरिटी दे दी और औरतों को कम दी। कोई भी अकल सलीम रखने वाला, कोई भी अकल सलीम रखने वाला ये बात अच्छी तरह से समझ सकता है कि अगर औरत को चार मर्दों के साथ शादी की इजाजत दे दी जाए और एक वक्त में उसके चार शौहर हों तो फिर ये तय नहीं होगा किसका बच्चा है, इंसान की नस्ल जो है खराब हो जाए, पता ही नहीं चलेगा किसकी औलाद। और जो एतराज करता है, जो ये कहता है कि औरत को भी चार शोहर की इजाजत होनी चाहिए, उससे खुद कहें कि आप पहले अपनी बीवी की चार शादी करो, देखें कितना दम है। ये सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए मेरे भाई,
हमें परेशान करने के लिए, हमारी जहनी उलझन को बढ़ाने के लिए इस तरह के असरात है। वो भी जानते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जो है वो वही होना चाहिए, लेकिन परेशान करते हैं। हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल इत्मीनान के साथ उलमाए किराम से इस मसले को समझ कर उनको जवाब दे देना। एक बहुत बड़े आदमी ने एतराज किया था एक मरतबा, तो हमारे एक आलिम ने यही जवाब दिया था, आप बिस्मिल्लाह करो, पहले आप अमल करो फिर हमको कहो, हम भी सोचेंगे। उस दिन से वो जो भागे तो भागे, फिर आए नहीं कभी। ये अकल अकल तस्लीम करती है इसको। दूसरी बात मेरे भाई को समझने की है और बहुत समझने की है, वो ये है कि इस्लाम ने एक से चार, एक से चार नौ शादियों को बढ़ाया नहीं है कि पहले लोग एक शादियां किया करते थे। इस्लाम ने आने के बाद कहा है एक नहीं दो करो, अरे दो नहीं तीन भी कर सकते हो, अरे तीन नहीं चार भी कर सकते हो, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब हम जो हम खुद जाहिल हैं, हमें पता नहीं इस्लाम के बारे में। हाँ 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 कर लेते हैं, जहां भी बात होती है, अरे क्यों हाँ करते हो, मतलब समझो। या फिर ये कहो भाई मुझे मालूम नहीं, मैं पूछ के जवाब दूंगा। हाँ हाँ क्यों करते, हाँ ये तो है, अरे काय को कहने का, ये तो है, कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो हम काय को कहें, हाँ ये तो है, काय को ऐसा कहने का। बात समझो, इस्लाम ने बीवियों की तादाद को बढ़ाया नहीं कि पहले लोग एक बीवी किया करते थे। इस्लाम ने आकर कहा कि दो भी कर सकते हो, तीन भी और चार तक कर सकते हो, ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम ने उसको घटाया है। इस्लाम के आने से पहले मालदारों के पास 100-100 बीवियां होती थी, 40-40 बीवियां होती थी, 35-35 बीवियां, औरतें खिलौना बन गई थी। इस्लाम आया, इस्लाम ने उस निजाम को तब्दील किया और अल्लाह का ऑर्डर आया, अल्लाह का हुक्म आया कि ज्यादा से ज्यादा चार, ये 10-10, 12-12 बंद करो। ये क्या तमाशा बना के रखा है गरीबों को, बंद करो ये सब। हदीस में मौजूद है कि बहुत से सहाबा ईमान लाए तो किसी के निकाह में 10 बीवियां थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने के बाद उनको हुक्म दिया कि इन 10 में से 4 को रखो, 6 को तलाक दो। किसी के निकाह में 8 बीवियां थी, अल्लाह के नबी ने कहा 4 को रखो, बाकी 4 को तलाक दो। तो मेरे भाई ये असल है कि इस्लाम ने बीवियों की तादाद को कम किया है और एक फिक्स मिकदार तक लाके खत्म किया कि ज्यादा से ज्यादा 4। उससे पहले तो औरतों की इज्जत ही नहीं थी। क्या आपने नहीं पढ़ा कि बेटी पैदा होती तो मार डालते थे, गढ़ा खोद के जिंदा दफन कर देते थे लड़कियों को। इज्जत किसने दी? इस्लाम आया तो इस्लाम ने लड़कियों को इज्जत दी। जितनी इज्जत लड़की को, औरत जात को इस्लाम ने दी है मेरे भाई, किसी ने नहीं दी। यदि एक ऐतराज होता है। दूसरी इसमें एक हिकमत है कि मर्द एक से ज्यादा शादी करे, औरतों के कुछ दिन छुट्टी के होते हैं और बाद मर्तबा मर्द की फितरी ताकत जो है बहुत ज्यादा होती है, तब उन दिनों में वो क्या करे? अल्लाह ने उसको इजाजत दी कि हराम की तरफ जाने की जरूरत नहीं, हलाल रास्ता मौजूद। भाई इस्लाम तो कहते ही उसको आसमानी दीन, अल्लाह के यहां से आया हुआ दीन, उसका मतलब ही यह है कि हर परेशानी का हल उसके पास, हर सवाल का जवाब अगर कोई मजहब दे सकता है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दे सकता है। आप सवाल करो क्या करना है, इस्लाम में उसका जवाब दे। कोई मसला आप अपने हिसाब से सोचो, फौरन मुफ्ती साहब जवाब देंगे यूं हुआ तो ये होगा। जाओ किसी और पंडित के पास और जाके सवाल करो, 2-3 सवाल में उसकी जो है खटिया खड़ी हो जाएगी, इस तरह गोल हो जाएगी, कोई नहीं दे सकता। ये दीन के सच्चा होने की दलील है कि जो भी सवाल करोगे उसका जवाब मिलेगा। तो मेरे भाई एक वजह यह भी है, दूसरी वजह यह भी है कि अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करेंगे तो औरतों की मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो उसकी कदर होगी। जिस चीज की मांग बढ़ जाती है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर हमारे यहाँ तलाकशुदा औरतें ना हो, हमारे यहाँ बेवा औरतें ना हो, जो भी बेवा हो उसका निकाह हो जाया करे, जो भी मुतल्लका हो उसका निकाह हो जाया करे, तो मेरे भाई लड़की तलाश करना मुश्किल हो। और जब मुश्किल से लड़की मिलेगी तो फिर आदमी उसकी कदर करे।
ये कब होगा? जब आदमी एक से ज्यादा शादी करे। खैर ये एक ऐतराज लोग करते हैं, उसका ये जवाब है। आज के बयान का पैगाम सिर्फ यही है कि इस्लाम के ताल्लुक से कोई भी शक शुबा अगर आपके जहन में पैदा हो, आप इमाम साहब से, मौलाना साहब से मिलकर फौरन उस शक शुबे को दूर करने की फिक्र करें, और अपने बच्चों को जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उनसे भी पूछते रहे कि बेटा इस्लाम के किसी हुक्म के बारे में कोई शक शुबा तो नहीं है, कोई एतराज तो नहीं पढ़ा तुमने सोशल मीडिया में या अखबार में, कहीं तुम्हारे टीचर ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही दीन के खिलाफ, जैसे अभी कुर्बानी गुजरी उसके बारे में भी एतराजात होते हैं, वक्त नहीं वरना उसका हम जवाब देते। तो अपने बच्चों को भी चैलेंज करो, मेरे भाई अपने ईमान की हिफाजत, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनकी सुन्नत पाती है ऊपर।